जैसे कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर एक कॉन्ट्रैक्ट के, हर एक संविदा के दो पहलू होते हैं, जिनमें पहला जो इनका पहलू होता है वो होता है इनके परफॉर्मेंस का या एक्चुअल जो कम्प्लिशमेंट का, पूर्ण होने का। लेकिन एक जो दूसरा पहलू है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो होता है उन पहलुओं का जिनमें किसी कॉन्ट्रैक्ट का, किसी संविदा का भंग हो जाता है, यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ब्रीच जब होता है तो किसी व्यक्ति को रेमेडी कैसे अवेलेबल कराई जाती है, या ये ब्रीच कितने टाइप के होते हैं, इनके क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत दिए गए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आरंभ से प्रारंभ करते हैं। तो इस पूरे प्रोविज़न को समझाने के लिए, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोविज़न इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत दिया गया है वो सेक्शन 73, 74 और 75 में दिया गया है, जो काफ़ी ऐसा ऐसे लैंग्वेज में दिया गया है कि मतलब पढ़ने में एक बार जब देखेंगे तो काफ़ी सिंपल लगेगा, लेकिन जब उसके अंदर घुसेंगे ना तो दिमाग भन्ना जाएगा। ये उसी तरह है जैसे सिंपल प्रोविज़न आप देखेंगे ना तो एकदम ब्रूस बैनर की तरह है, एकदम शांत, सिंपल, सुलझा हुआ सा। जब पढ़ते जाएंगे अंदर तो एकदम ये हल्क की तरह बड़ा सा होके आ जाएगा और कुछ भी समझ नहीं आएगा, गुस्सा ऐसा एकदम। तो क्या कहते हैं, छेड़ना चाहिए या नहीं छेड़ना चाहिए, बना देते हैं हल्क यार। तो इस पूरे प्रोविज़न को समझने के लिए हम इस डायग्राम का सहारा लेंगे जिसको हमने बड़ी ही मेहनत से अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से बनाया है। तो इस पूरे डायग्राम को समझने के बाद हम बैरक की रीडिंग करेंगे, इसलिए ज़रा सा भी हेजिटेट मत होइएगा, जल्दबाजी में मत आइएगा। पहले आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद जब आप बैरक की लैंग्वेज पढ़ेंगे, सेक्शंस को पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसको समझने के लिए भी एक चीज़ ज़रूरी आपको बता दें कि इसमें दो तरह की पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि एक प्रॉमिसर होता है, दूसरी प्रॉमिसी होती है। तो इनमें से एक पार्टी जब ब्रीच करती है जिसकी वजह से दूसरी पार्टी को नुकसान होता है, जिसको इंजर्ड पार्टी या एग्रीव्ड पार्टी बोलते हैं, तो इनमें एक पार्टी जब धोखा देती है और दूसरे को नुकसान होता है, तो धोखा देने वाली पार्टी को हम बेवफा के तौर पे जानते हैं, और दूसरी वाली पार्टी वो वाला सीन बना देती है ना, गाना आया था ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो वो पूरा इंतकाम दिखा देती है सेक्शन 73, 74 और 75 के सहारे। तो क्या कहते हैं ये प्रोविज़न, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके दो पार्ट होते हैं, पहला जो पार्ट होता है वो इसके एकम्प्लिशमेंट का होता है और जो दूसरा होता है ये ब्रीच का होता है। एकम्प्लिशमेंट का मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ करने की बात की गई है वो सक्सेसफुली हो गया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है, कोई समस्या नहीं भाई, आराम से चलने दीजिए। लेकिन अगर यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हो जाता है, संविदा भंग हो जाती है, संविदा का भंग हो जाता है, तो क्या होता है, बेसिकली बहुत ही मोटे तौर पर केवल नॉलेज के लिए आपको बता दें कि ब्रीच को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें पहला ब्रीच है एंटिसिपेटरी ब्रीच, जिसको कहते हैं अग्रिम भंग, और दूसरा है एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच को वास्तविक भंग के रूप में आप कह सकते हैं। एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच के अंतर्गत जब कोई, अगर कोई ड्यू डेट दी होती है, कोई डेडलाइन दी हुई होती है, कोई डेट दी हुई होती है कि इसी स्पेसिफिक डेट पे हमें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, और उसके पहले ही कोई एक पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म करने से इनकार कर दे, उसको मना कर दे, जिसकी वजह से दूसरी पार्टी को नुकसान हो जाए, किसी तरह का घाटा लग जाए, डैमेज हो जाए, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को, इस तरह के एग्रीमेंट को कहेंगे एंटीसिपेटरी कॉन्ट्रैक्ट। और जो इंजर्ड पार्टी होगी उसके पास राइट आ जाएगा कि वो सामने वाली पार्टी को क्लेम कर सकता है। एंटीसिपेटरी को ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर मैं हूँ, मुझे जाना है अगली सुबह, मतलब अभी है ना, अभी मान लीजिए कि अभी संडे है और मुझे अगले संडे को बाहर टहलने जाना है, तो मैंने एक कैब वाले से बात करी कि मुझे अगले संडे को आप टहलाने ले चलो। कैब वाले ने कहा ठीक है, हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा और भाई तुम मुझे इतनी इतनी जगह टहलाओगे। कैब ने कहा ठीक है कर लेंगे।
फिर आयन मौके पे क्या होता है, जिस दिन मुझे टहलने जाना था संडे के दिन, संडे के पहले ही सैटरडे को या फ्राइडे को कैब वाले ने फ़ोन करके इनकार कर दिया कि ऐसा है हम भाई नहीं जा सकते, हमारा ऐसा ऐसा कोई समस्या हो गई और इसकी वजह से हम ये कॉन्ट्रैक्ट अपना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हम आपको टहला नहीं पाएंगे। अब इसके ब्रीच की वजह से ऐसा हुआ कि भैया मैंने जब दूसरे कैब वालों से बात करने की कोशिश की तो पता चला कि उस टाइम पे सारी कैब लगभग व्यस्त थी, कोई उतने रीज़नेबल अमाउंट पे तैयार नहीं था, तो मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, कुछ ज़्यादा ही पैसे दो गुने देने पड़े अपने टहलने की वजह से। अब या फिर मैं टहलने ना जाऊँ तो मेंटल सफरेज और पूरा छुट्टी बर्बाद हो जाए संडे वगैरह, और जब मैं टहलने जा रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा पैसे दे कर जाना पड़ रहा है, तो ये जो ज़्यादा पैसे देने की वजह से जो मुझे डैमेज हुआ है वो मैं कैब वाले से क्लेम कर सकता हूँ। यही पूरा एंटीसिपेटरी कॉन्ट्रैक्ट का पूरा प्रोविज़न है। और यहीं पे अगर हम एक्चुअल डैमेज के बारे में बात करें तो एक्चुअल डैमेज वो होता है जब एक कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के टाइम पे, जब परफॉर्मेंस हो रहा होता है तो उस दौरान अगर कोई पार्टी ब्रीच करती है तो इसको हम एक्चुअल ब्रीच के नाम से जानते हैं। अब चाहे एंटीसिपेटरी ब्रीच हो या एक्चुअल ब्रीच हो, यानी कि चाहे एंटीसिपेटरी हो या एक्चुअल हो, दोनों ही ब्रीच के मामले में जब ब्रीच होगा तो जिस पार्टी को नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, एग्रीव्ड पार्टी है, वो बेवफा वाली पार्टी से रेमेडीज क्लेम कर सकती है, उनसे उनके ऊपर डैमेज क्लेम करेगी, कोर्ट से कहेगी कि भैया हमको राहत दिलाओ। तो कोर्ट जो राहत, जो रेमेडीज दिलाएगा, जो उपाय दिलाएगा, उसको हम तीन तौर पे जानते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तीन तरह के रेमेडीज दिलाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहला है डैमेज जो कि दिया गया 73, 74, 75 में। दूसरा है क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट के बारे में हम आगे बात करेंगे। और तीसरा है स्पेसिफिक रिलीफ, स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में दिया गया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत। तो आज इस पे बात करना भाई वीडियो को लंबा करना हो जाएगा, इस पे हम जब वीडियो बनाएंगे सारे पे तभी बात कर लेंगे। क्वांटम मेरिट के बारे में बता देते हैं। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है कि वो काम, जैसे किसी अगर पार्टी ने कोई अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है तो पूरा पार्ट परफॉर्म नहीं कर पाया, आधा ही पार्ट परफॉर्म कर पाया, और सामने वाली जो दूसरी पार्टी है उसने अपनी बदतमीजी की वजह से या अपने किसी अन्य कारक की वजह से इसको पूरा पार्ट परफॉर्म नहीं करने दिया, तो जितना कि पार्ट उस बंदे ने परफॉर्म किया हुआ होता है कम से कम उतना पारिश्रमिक, उतना रिमुनरेशन जो है, उतना जो पैसे हैं उसका दिहाड़ी, वो तो उसको मिलना चाहिए। यही कहता है क्वांटम मेरिट का सिद्धांत। अब इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर मेरे बीच में और एक बंदे के बीच में, एक पेंटर है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरा घर पेंट करने का। पेंटर ने कहा हम आपका घर एक हफ्ते में पेंट कर देंगे। मैंने कहा ठीक है आप एक हफ्ते में पेंट कर दो और मैं आपको बदले में 5-6 हज़ार रुपये जितना हुआ मैं आपको दे दूंगा। एक हफ्ते पेंट करने के लिए पेंटर आना शुरू किया और वो 3 दिन लगातार आया पेंट करने, लेकिन अगले दिन जब चौथे दिन वो पेंट करने आया पता चला मैं ताला बंद करके भाग गया, ठीक है, उसको पेंट करने का मौका ही नहीं दिया, या फिर ऐसा हुआ कि कुछ और मैंने ऐसा काम कर दिया कि वो पेंटर पेंट ही ना कर पाया, जिसकी वजह से बाकी के 4 दिन वो पेंट नहीं कर पाया, केवल 3 ही देर पेंट कर पाया। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं ख़त्म हुआ है ना, पेंटर ने जो काम किया हुआ है 3 दिन का कम से कम उतना तो पारिश्रमिक उसको मिलना ही चाहिए। यही चीज़ पूरा जो पारिश्रमिक दिलाया जाएगा इसी को क्वांटम मेरिट का सिद्धांत बोलते हैं। अब क्वांटम मेरिट के बाद अब हम आते हैं अपने मेन प्रोविजंस पे, डैमेजेस वाले पे। तो डैमेज के बारे में दिया गया है 73, 74 और 75 में। और अगर किसी पार्टी को, किसी एग्रीव्ड पार्टी को बेवफाई की वजह से, किसी पार्टी की बेवफाई की वजह से किसी तरह का डैमेज हुआ है तो उसको डैमेजेस क्लेम करने का पूरा अधिकार है। अब यक्ष प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि डैमेज और डैमेजेस क्या ये अलग अलग होते हैं या दोनों एक ही होते हैं? भाई एक ऐसे ही का तो अंतर है तो अलग अलग कैसे हुए? तो मैं बता दूं ये दोनों ही अलग होते हैं। बेसिकली डैमेज का मतलब होता है किसी पार्टी के एक्ट की वजह से जो नुकसान हुआ होता है दूसरी पार्टी को, एग्रीड पार्टी को, इंजर्ड पार्टी को, तो उसको कहते हैं डैमेज। और इस डैमेज को जब मॉनेटरी फॉर्म में कंपनसेशन की तरह, एक तरह से फाइन की तरह दिलाया जाता है तो इसको पूरे मामले को बोला जाता है डैमेजेस। ओके, तो यही इन दोनों के बीच में अंतर है। अब इन दोनों के बारे में बात करने से पूर्व एक मिनट, हाँ, तो क्या क्या डैमेज और डैमेजेस दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं 73, 74, 75 में। लेकिन यहाँ थोड़ा अपनी अच्छे से समझने के लिए हम इसको उल्टा पढ़ेंगे, यानी कि हम सबसे पहले 75
के बारे में जानेंगे, फिर 74 के बारे में, फिर 73 के बारे में। और वो इसलिए क्योंकि जो चीज़ें आसान हैं उनको पहले समझ लेना चाहिए, अगर कठिन चीज़ पहले ही खोल के रख देंगे तो आप भाग जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आदमी डर जाता है ना, तो इसलिए आसान चीज़ को पहले समझ लेते हैं, मुश्किल को बाद में करते रहेंगे। तो सेक्शन 75 बात करता है उन कॉन्ट्रैक्ट के मामले में जहां किसी एक पार्टी को ऐसा है कि उसको राइट दे दिया गया है रिसाइन करने का, संविदा को पूर्ण रूपेण खत्म करने का अधिकार दे दिया गया है। और वो क्यों दिया जाता है, मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि उस पार्टी के ऑप्शन पे वॉइडेबल है, या उस कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 55 या 39 के अंतर्गत ऐसा बना दिया गया है कि वो उस पार्टी के हाथ में आ गया है कि वो उसको रिसाइन कर सकता है। सेक्शन 39 बात करता है उन कॉन्ट्रैक्ट्स के मामले में जहां पर अपोजिट पार्टी, बेसिकली प्रोमिसर जो है वो अपना पार्ट परफॉर्म करने से, इंटायरली या पार्ट परफॉर्मेंस करने से अपने आप को अलग कर लेता है। और सेक्शन 55 बात करता है उन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जिनमें टाइम इज़ द एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि समय ही किसी संविदा का मूल विषय वस्तु होता है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में, इन सब सिचुएशन में किसी पार्टी को ये अधिकार मिल जाता है, ये राइट मिल जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हैं, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, मतलब सब समाप्त कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई पार्टी किसी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करेगी और अगर उसको कोई नुकसान हो गया तो वो नुकसान भी क्लेम करने का, वो डैमेज भी क्लेम करने का अधिकार व्यक्ति को, पार्टी को मिला हुआ है और डैमेज दिया जाएगा। ये बात करता है सेक्शन 75। अब इसको कैसे समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर फिर से आते हैं, यहाँ पर डब्बू और बब्बू के बीच में हुआ कॉन्ट्रैक्ट। बब्बू बहुत अच्छा सिंगर है, मतलब ऐसा गाता है ना कि आदमी ने सुन लिया तो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। और डब्बू एक मतलब थिएटर के मालिक हैं, तो इन्होंने बब्बू के साथ करा एक कॉन्ट्रैक्ट कि आपको एक हफ्ते तक लगातार मेरे थिएटर में आके गाना गाना है। बब्बू ने कहा ठीक है हम आके गाना गा देंगे, बदले में तुम्हें हर नाइट पे हमको 1000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। दोनों के बीच में हो गया कॉन्ट्रैक्ट। बब्बू मियाँ 2 दिन आए, 3 दिन आए, 4th दिन आए, और 5वें दिन पता चला कि उनकी कोई महिला प्रशंसक उनको मिल गई और मारे खुशी के वो निकल लिए लॉन्ग ड्राइव पे। 5वें दिन नहीं आए, तो जब वो 6ठे दिन आएंगे तो पता चलेगा कि यार डब्बू का थिएटर तो भाई, क्योंकि डब्बू ने पहले से ही ऑडिशन से अच्छा खासा पैसा रकम लेके रखा था, खूब पैसा वैसा बटोर के रखा था, और जब बब्बू सिंह मतलब परफॉर्म करने नहीं आएंगे, जनता होती है गुस्सा, वो धै टमाटर जूता चप्पल मार मार के डब्बू का मुंह सुझा देती है, उनका थिएटर वगैरह तोड़ताड़ देती है, कुर्सियाँ तोड़ देती है, अच्छा खासा नुकसान हो गया डब्बू को इसकी वजह से। तो डब्बू को ये अधिकार मिला हुआ है कि वो बब्बू से अपना जो भी डैमेज हुआ है वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। यही पूरा 75 कहता है। अब 75 के बाद हम आते हैं 74 पे। तो 74 और 73 में ये अंतर है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 74 में टोटली जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं वो लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में बात करते हैं, और 73 के अंतर्गत दिए गए जो प्रोविज़न हैं वो अनलिक्विडेटेड डैमेज के बारे में बात करते हैं। अब दोनों हैं क्या? लिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं और जो किसी कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही एक तरह से चिंतन करके तय कर लिया जाता है कि अगर कोई ब्रीच हुआ तो इतना ही नुकसान होगा। तो अगर कोई पहले से तयशुदा रकम रख ली गई है तो इसको लिक्विडेटेड डैमेज कहा जाएगा। वहीं पे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेज होते हैं जहाँ पे पार्टी को मतलब इतना अंदाज़ा नहीं होता कि कितना नुकसान हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और एकदम से मॉनेटरी फॉर्म में उनको इवेल्युएट करना, उनका आकलन करना संभव नहीं होता है। ये तभी आकलित किए जा सकते हैं, इनका इवेल्युएशन तभी किया जा सकता है जबकि वो डैमेज हो ही जाए। तो ऐसी कंडीशन में इनको अनलिक्विडेटेड डैमेज कहते हैं, सिंपल है यार। तो 74 के बारे में देखते हैं। तो 74 जब पूरा प्रोविज़न पढ़ेंगे तो आपको केवल दो ही चीज़ों पे एकदम दबा के बल मिलेगा, दबा के जोर मिलेगा, जिनमें पहला जो टर्म है उसको हम कंपेंसेशन बोलते हैं और दूसरा है पेनाल्टी का। कंपेंसेशन एक तरह से एक पॉजिटिव थिंग है जो किसी बंदे के लॉस को गुड्स में बदलने का एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि अगर किसी व्यक्ति को लॉस हुआ है, उसको नुकसान हुआ है, तो नुकसान की भरपाई की जाती है कंपेंसेशन के द्वारा, जो कोर्ट्स के द्वारा अवॉर्ड किए जाते हैं। पेनल्टी भी कोर्ट्स ही के द्वारा अवॉर्ड किए जाते हैं, कभी कभी पर्सनल लेवल पर भी अवॉर्ड किए जा सकते हैं, लेकिन ये एक नेगेटिव थिंग होती है जो एक तरह से बंदे के ऊपर एकदम दांत कीट के रहती है कि बेटा अगर तुम नुकसान करोगे, अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हें इतना मुआवजा देना पड़ेगा।
कंपनसेशन जो होता है वो बेसिकली रीजनेबल होता है, वो ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता कि एकदम ऐसा हो कि सामने वाला दे ही ना पाए, वो एक रीजनेबल अमाउंट में जितना नुकसान होता है उतना ही करा जा सकता है। जबकि पेनल्टी क्योंकि फ़ाइन के तौर पे दिया जा रहा है, एक तरह से बंदे के ऊपर पनिशमेंट के तौर पे इम्पोज़ किया जा रहा है, तो वो ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब एकदम से 10-15 गुना भी हो सकती है। इसी के साथ साथ एक्सप्लेनेशन में भी ये चीज़ बताई गई है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ बताई गई है कि डिफ़ॉल्ट की अवस्था में वो जो पैसा जो कंपनसेशन पेएबल है या अमाउंट पेएबल है उस पे जो सरचार्ज होगा या जो इंटरेस्ट होगा वो कई गुना बढ़ सकता है, तो ये पेनल्टी के फॉर्म में ही इसको डील किया जाएगा, ये एक्सप्लेनेशन कहता है। अब कंपनसेशन देख लेते हैं। कंपनसेशन में एक केस है जिसको कहते हैं डनलॉप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस न्यू गैराज न्यू जॉर्ज का केस। तो इस केस में क्या हुआ था कि एक प्लेंटिव महोदय थे और डिफेंडेंट महोदय थे, या एक पार्टी और दो पार्टी, मतलब ए और बी ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ए जो थे वो टायर के मैन्युफैक्चरर थे और जो बी थे वो डीलर थे, वो डील करते थे साथ ही साथ बेचते बेचते थे। तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो मैन्युफैक्चरर महोदय जो थे ए, उन्होंने बी से कहा यार टायर तो हम तुमको दे रहे हैं, तो तुमको टायर जो मैं लिस्ट दे रहा हूँ वो उसी के हिसाब से बेचना है, लिस्ट से कमती करके मत बेचना, लिस्ट से कम भाव में मत बेचना कि पता चले मार्केट में तुम अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश करने के लिए या एकदम भौकाल वकाल दिखाने के लिए कम करके बेच रहे हो, तो ये मेरे टायर का नुकसान होगा, ये मेरे क्रेडिट को नुकसान करेगा, मेरा जो साख है उसको नुकसान करेगा। तो अगर कम करके बेचोगे तो हर टायर पर मैं आपको 5 यूरो का एक कंपनसेशन लगाऊंगा। सामने वाले ने कहा ठीक है, और फिर भैया बह गए भावनाओं में, वो टायर सस्ता करके बेच लिए, तो कंपनी ने कर दिया क्लेम। तो ऐसी अवस्था में जो 5 यूरो पर टायर का इन्होंने ये जो चार्ज लगाया है, ये जो फाइन लगाया है, ये कंपनसेशन की तरह डील किया जाएगा, ये इस केस में कहा गया था। पेनल्टी के बारे में एक इलस्ट्रेशन दे देते हैं, केस देना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो पेंटर वाला, मेरे और पेंटर के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि वो एक हफ्ते के अंदर मेरा घर पेंट करके देगा, बदले में मैं उसे 5-6 हज़ार रुपये दूंगा। यहीं पे ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि अगर बेटा एक हफ्ते में तुम पेंट करके नहीं दे पाए, एक हफ्ते के एक दिन ऊपर हुआ, अगले ही दिन हम तुमसे 10 हज़ार रुपये का पेनल्टी ले लेंगे, तुम्हें 10 हज़ार रुपये मुझे देने पड़ जाएंगे। तो ये जो पेनल्टी वाला पूरा एक प्रोविज़न हुआ वो इसके अंतर्गत आएगा। तो चाहे कंपेंसेशन हो चाहे पेनल्टी हो, दोनों ही अवस्था में ये दिया कैसे जाएगा, वो जब क्लेम किया जाएगा तो कोर्ट के द्वारा एक रीजनेबल अमाउंट में दिया जाएगा। ये कोर्ट का डिस्क्रेशन होता है कि वो केसेस के हिसाब से, फैक्ट्स के हिसाब से देख के जितना रीजनेबल अमाउंट हो वो उस पार्टी को डैमेजेस के तौर पर उपलब्ध कराएँ। और अब आते हैं हम 73 पे। 73 जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में बात करता है। तो पूरे 73 को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको 4 पॉइंट्स बहुत ही बेहतर तरीके से जान लेने चाहिए। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर किसी बंदे को, अगर किसी व्यक्ति को कोई लॉस हुआ है, कोई डैमेज हुआ है, तो डैमेज के बदले में कंपनसेशन दिलाया जाएगा। सिंपल है ये। 73 बताता है कि अगर किसी बंदे को लॉस हुआ है तो लॉस को इवेल्युएट करने के बाद क्या डैमेज हुआ है, क्या लॉस हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, उसके हिसाब से उस बंदे को कंपनसेशन दिलाया जाएगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें ये बताता है कि किसी भी रिमोट और इनडायरेक्ट डैमेजेस को दिलाया नहीं जाएगा, यानी वो डैमेजेस जो कि काफ़ी रिमोट हैं, काफ़ी इनडायरेक्ट टाइप के हैं, उनको किसी भी पार्टी को नहीं दिलाया जाएगा। क्योंकि ये गलत होगा ना कि आप भाई इनडायरेक्ट, मतलब बहुत ही दूर के लॉस के लिए व्यक्ति को आप रीजनेबल ठहरा के उससे पैसे निकलवा रहे हैं। इसको समझेंगे एक एक पॉइंट को, एक इलस्ट्रेशन से, अभी कहीं मत जाइएगा। तीसरा ये है कि अगर कोई क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी वैसे ही डील किया जाएगा जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है ना, सेक्शन सबसे पहला पॉइंट है ना ये डैमेज वाला, वैसे ही डील किया जाएगा। पहले डैमेज को देखा जाएगा, लॉस को देखा जाएगा कितना है, उसके हिसाब से फिर बंदे को कंपनसेशन दिलाया जाएगा। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, माफ़ करिएगा, कभी कभी हो जाता है यार, आदमी तो हैं। और फोर्थ पॉइंट इज़, ये क्वेश्चन है, कोर्ट ये देखेगी कि क्या ये जो लॉस है इसको रोका जा सकता था, इसको अवॉइड किया जा सकता था, अगर प्रयास किया जाता तो क्या ये लॉस रोका जा सकता था या नहीं। अब इन चारों पॉइंट्स को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो एक मूवी है, उसकी एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस मूवी का नाम है आन। तो इस मूवी में क्या होता है, राजपाल यादव एक मंत्री महोदय के होते हैं पीएम।
तो मंत्री महोदय की पार्टी होती है, उस पार्टी में बड़े बड़े लोग आने होते हैं, तो मंत्री महोदय 2 नंबर का पैसा निकलवाने की फिराक में थे कि एग्रीमेंट टाइप का करेंगे कई लोगों से और ढेर सारा पैसा निकालेंगे इस पार्टी में लोग आए हुए लोगों से। तो पार्टी के लोगों के जो आए हुए हैं उनके स्वागत के लिए दारू का इंतजाम करना था, लिकर का इंतजाम करना था, लेकिन भाई डीलर मिल नहीं रहा था जो लिकर वगैरह प्रोवाइड करता था, जो भी डिलीवर करता था। तो राजपाल ने फ़ोन किया इनको और विजय महोदय है, और फिर जब बात बात हो गई कि हाँ लिकर है या आपको ऐसे ऐसे प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पर अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, ये मैंने आपको केवल बताने के लिए ऐसे ही ये फुटेज दिखाया। अब यहाँ पर राजपाल यादव और विजय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भैया आपको फला तारीख को, आज पार्टी है हमें आज ही के आज लिकर चाहिए, और लिकर जो है वो इम्पॉर्टेंट है लाना। विजय राणा ने कहा ठीक है हम ला देंगे। तो यहाँ पर अगर विजय लिकर नहीं ला पाए, जैसे ऐसा हुआ ना कि विजय लिकर अवेलेबल नहीं करा पाए, तो ऐसी स्थिति में राजपाल यादव को तुरंत अरेंज करना पड़ेगा, किसी दूसरे डीलर से बात करनी पड़ेगी। तो जो बोतल इनको 300 रुपये की मिल रही थी वो इनको 500 रुपये की खरीदनी पड़ गई, यानी कि हर बोतल पे इनको 200 रुपये बढ़ा के खरीदना पड़ गया, डैमेज हुआ। तो इस डैमेज को राजपाल यादव विजय राज से वो क्लेम कर सकते हैं, और कोर्ट रीजनेबल जितना अमाउंट लगेगा इनके हिसाब से वो इनको दिलाएगी कंपनसेशन का तौर पे। इनडायरेक्ट और रिमोट डैमेजेस की बात ये है कि अब राजपाल यादव ये चीज़ क्लेम नहीं कर सकते विजय राज से कि भैया इस पार्टी में ऐसी ऐसी डील होनी थी कि मंत्री महोदय को शाम तक में इसी पार्टी में, पूरी रात की पार्टी में कम से कम 100 करोड़ रुपए की इनकम होने वाली थी, और तुम दारू नहीं पहुंचा पाए, तुम लिकर नहीं पहुंचा पाए, इसकी वजह से 100 करोड़ रुपए का हुआ घाटा। तो अब भैया 100 करोड़ तुम दोगे। विजय राज यार दुबला पतला आदमी है, उसके पास पैसे भी नहीं, और अगर उसके पास इतने पैसे होते तो ये दारू का ये धंधा क्यों करता 2 नंबर वाला। तो 100 करोड़ रुपए ये एक तरह से इनडायरेक्ट डैमेज हुआ ना, क्योंकि वो रुपए जितने भी हासिल होने थे, जो रुपए 100 करोड़ इकट्ठे होने थे, वो पार्टी में आए हुए लोगों से मिलने थे। वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते किसी काम को करने के लिए, हामी भरते, फिर मंत्री जी उस पर साइन वाइन करते, फिर उनको पैसे मिलते। तो ये बहुत ही रिमोट काउज हो गया, ये लिकर पहुंचाने से लेकर या दारू के ना पहुंचने से और 100 करोड़ के इनकम से कोई लेना देना नहीं, कोई नेक्सेस ही उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस वजह से इनको कोई ये रिमोटनेस और इनडायरेक्ट जो लॉसेज हैं इनके लिए लायबल नहीं माना जाएगा। बस इतनी सी बात है, खत्म। ठीक है, हाँ ये बात भी है, जो चौथा पॉइंट है कि क्या इसको अवॉइड किया जा सकता था। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर भाई मंत्री महोदय थोड़ा सा लिमिट में पीते तो उस दिन पार्टी के लिए उनको 2-4 10 बोतलें तो बची जाती, वो पार्टी चलाई जा सकती थी। तो इसलिए ये पॉइंट भी कंसीडर किया जाएगा, हालांकि लिटरल मत लेना, मैंने आपको बस समझाने के लिए ये चीज़ बताई है, आपको इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 73 पे। तो 73 जब आप पूरा पढ़ेंगे तो इसमें कंपनसेशन के बारे में बताया गया है, और बेसिकली 2 तरह के कंपनसेशन बताए गए हैं, जिनमें पहला जो कंपनसेशन है वो जनरल है, और दूसरा है कंटेम्पलेटेड। जनरल मतलब होता है सामान्य सा, यानी कि जो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में या नेचुरली अराइज होगा जो डैमेज, उसको कहते हैं जनरल डैमेज या जनरल कंपनसेशन के तौर पे। कंटेम्पलेटेड कंपनसेशन वो कंपनसेशन है जहाँ पर पार्टीज को अंदाज़ा होता है कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो इसमें ये नुकसान हो सकता है, तो चिंतन करने के बाद जो एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि इतना नुकसान हो सकता है, उसको कंटेम्पलेटेड कंपनसेशन बोलते हैं। इसी के साथ साथ अगला जो जुड़ा हुआ पॉइंट आता है वो जनरल कंपनसेशन से रिलेटेड आता है, जनरल डैमेजेस का, और कंटेम्पलेटेड कंपनसेशन से रिलेटेड आता है स्पेशल डैमेजेस का। अब ये दोनों क्या हैं आप केस से समझिए, ठीक है। एक इसमें केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है भाई, ये तो खतरनाक इंपॉर्टेंट केस है, इसको कहते हैं हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल का केस, और इसी केस में डॉक्ट्रिन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेज को ओरिजिन किया गया था, इसको पूरा बनाया गया था। क्या है ये डैमेज, ओह सॉरी, क्या है ये डॉक्ट्रिन? तो इसमें क्या हुआ था, एक फैक्ट्री थी, ठीक है, एक फैक्ट्री थी, तो फैक्ट्री अच्छी खासी चल रही थी, अचानक से उसका पता चला एक क्रैंक शाफ्ट नाम का कोई पार्ट होता है, वो गोला गोला करके वो ख़राब हो गया। तो इस फैक्ट्री वाले ने कांटेक्ट किया एक डिलीवरी, मतलब एक जो जो लोग बनाते थे ना उस पार्ट को, उनसे कांटेक्ट किया कि भैया हमारा पार्ट ख़राब हो गया। तो उन कंपनी वाले ने, जो भी बनाते थे, उन कंपनी वालों ने कहा ठीक है हम आपका पार्ट सही कर देंगे, आप हमारे पास भेज दीजिए। तो यहाँ पर इस
पार्ट को भेजने के लिए, इस क्रैंकशाफ्ट को भेजने के लिए इन्होंने एक डिलीवरी एजेंसी जिसको हम सी कहेंगे उनसे कांटेक्ट किया कि आपको ये पार्ट पहुंचाना है और वो जो पार्ट देंगे वो लेके आना है और आपको कुछ ही दिनों के अंदर लेके आना है। तो डिलीवरी वाले ने कहा ठीक। तो डिलीवरी वाले के लिए जैसे बाकी के कूरियर वैसे ही, तुम्हारा कूरियर तुम्हारा कोई खास तो है नहीं, तुम बड़ा सा डिब्बा पैक करके उनको दे दिए कि जाओ उनको कंपनी को पहुँचा दो, ये जो कंपनी है इसको पहुँचा दो और वो जो लेके आए वो जो देंगे वो वापस ला के मुझे दे देना। डिलीवरी कंपनी ने इसको यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस की तरह डील किया। तो जो चीज़ इनको 3-4 दिन में पहुंचानी थी वो 2-4 दिन लेट हो गई। इसकी वजह से कंपनी को जो ये फैक्ट्री थी उसको काफ़ी सारा नुकसान हो गया, मतलब कंपनी बंद होने तक की नौबत आ गई। फिर इस जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री वाले ने इनको, भैया जो डिफेंडेंट थे जो डिलीवरी का काम करते थे, इनको किया क्लेम और कहा भैया तुम्हारी वजह से मेरी फैक्ट्री बंद हो गई है, अब जितना ज़्यादा लॉस मुझे हुआ, जितना ज़्यादा पैसा लगा है अब वो तुम दोगे। गरीब आदमी ये भी फंस गया डिलीवरी वाला। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि भाई डिफेंडेंट लायबल नहीं है क्योंकि आपने उसे डिलीवरी का काम दिया था और आपकी फैक्ट्री के बंद होने में और इनकी डिलीवरी लेट पहुँचने में ये कोई डायरेक्ट काउज नहीं है, ये यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस है। या फिर आपने बता दिया होता कि ये मेरा पार्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर नहीं लाओगे तो बंद हो जाएगा, तो ऐसा हो सकता था कि हाँ यार डिलीवरी तब अगर देर में करते तो डिफेंडेंट को लायबल ठहराया जा सकता था, लेकिन इस केस में नहीं है इसीलिए डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया गया। तो इस अगर इस केस में मान लो भाई डैमेज दिलाया भी जाता तो जनरल डैमेज दिलाया जाता जो जनरली अलाउ हुआ है, या उसकी वजह से जो डैमेज हुआ है अगर मान लो वो दूसरा क्रैंकशाफ्ट खरीदते और कुछ जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते वो दिलाया जा सकता था, तो वो चीज़ जनरल डैमेजेस के अंतर्गत आती। स्पेशल डैमेजेस की बात करते हैं तो स्पेशल डैमेजेस वो डैमेज होते हैं जो किसी स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सरकमस्टेंसेस की वजह से या कंडीशन की वजह से अराइज होते हैं, जैसे कि हॉर्न वर्सेस मिडलैंड रेलवे कंपनी में हुआ था। अब ये जो हॉर्न लिखा हुआ है इसको हॉर्न ही पढ़िएगा, कुछ और नहीं पढ़िएगा। तो इसमें क्या हुआ था, एक कंपनी थी जो शूज़ बनाती थी, जूते बनाती थी, तो उन्होंने फ्रेंच कंपनी के साथ, फ्रेंच आर्मी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया शूज़ को पहुंचाने का कि इतने शूज़ मैं आपको फला तारीख को पहुंचा दूंगा, बदले में ये उस आर्मी से डबल दाम, मतलब अगर शूज़ 100 रुपये का था वो 200 रुपये चार्ज कर रहे थे, डबल फ़ायदा कमा रहे थे। तो इन्होंने भी वही काम किया, डिलीवरी एजेंसी को हायर किया, डिलीवरी एजेंसी को काम दिया कि भैया तुमको ये शूज़ पहुँचाने हैं। डिलीवरी एजेंसी भाई बाकी के पैकेजेस की तरह आपके पैकेज को भी डील कर रही थी, जो चीज़ पहुंचना चाहिए था 5 दिन में पहुंचाया 7 दिन में। 7वें दिन जब पहुंचे फ्रेंच आर्मी ने लेने से मना कर दिया और इनको जूते वापस मिल गए और वो जूते जो 200 रुपये बिकने थे वो 100 रुपये के बेचने पड़ गए। कोर्ट में यहाँ जाके इन्होंने क्लेम किया कि यार इन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब मुझे जितने भी एक्स्ट्रा पैसे जो प्रॉफिट होना था वो मुझे दिलाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा यार तुमने उनको शूज़ देते टाइम ये तो बताया नहीं था कि ये शूज़ इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर नहीं पहुँचे तो इतना इतना नुकसान हो जाएगा, तो भाई गलती तुम्हारी है और इस वजह से ये तुम्हारा खामियाजा जो है इनको नहीं भुगतने देंगे। अब यहाँ पे स्पेशल डैमेज क्या था कि अगर ये कंपनी, शूज़ कंपनी जो थी वो डिलीवरी एजेंट को बता देती कि ये शूज़ इतने इंपॉर्टेंट है कि भाई आर्मी के लिए पहुँचाना है और अगर नहीं पहुँचा तो नुकसान हो जाएगा, अब इस कंडीशन में स्पेशल डैमेजेस मिल सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इन्होंने बताया नहीं, दोनों ही पार्टीज़ को पता नहीं था, कंटेम्पलेशन दोनों पार्टीज़ में नहीं था, एक पार्टी में था जो बना रहे हैं शूज़ को, उनको पता था कि हाँ यार क्या मामला है, कैसे सीरियसनेस है पूरा केस का, लेकिन जो डिलीवरी एजेंट हैं जो डिलीवर कर रहे हैं उनको नहीं पता था, इस वजह से स्पेशल डैमेज का कोई रीज़न अराइज नहीं करता। ये पूरा मामला हो गया इस पूरे प्रोविज़न का। अब हम आते हैं इसकी डायरेक्ट रीडिंग पे। हाँ, सेक्शन 75 ये कहता है पार्टी राइटफुली रिसाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू कंपनसेशन, अ पर्सन हु राइटफुली रिसाइंड अ कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू कंसिडरेशन फॉर एनी डैमेज व्हिच ही हैज सस्टेंड थ्रू द नो फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेम चीज़ अगर एक पार्टी के पास राइट है किसी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने का और अगर उसको किसी तरह का डैमेज भी हुआ है तो उसके लिए वो कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। सिंपल है यार सेक्शन 75। सेक्शन 74 बात करता है कंपनसेशन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ब्रोकन इफ अ सम इज नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट एज द अमाउंट टू बी पेड इन केस ऑफ अ ब्रीच और इफ द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स एनी अदर स्टिपुलेशन बाई द वे ऑफ पेनल्टी द
पार्टी कंप्लेनिंग ऑफ ब्रीच इज एंटाइटल वेदर और नॉट एक्चुअल डैमेज और लॉस प्रूव टू हैव बीन काउज देयर बाई टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज़ ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो नेम्ड एज द केस मे बी द पेनाल्टी स्टिपुलेटेड फॉर। सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई सेक्शन 74 में दो चीज़ें दी गई हैं कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनाते टाइम उसमें ये चीज़ मेंशन कर दी गई है, कोई एक कंपनसेशन मेंशन कर दिया गया है जो ब्रीच की कंडीशन में अलाउ किया जाएगा, या फिर कोई पेनल्टी मेंशन कर दी गई है कि अगर इसमें ब्रीच हुआ तो ये पेनल्टी दी जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में चाहे भाई डैमेज प्रूव हो या ना हो, दोनों ही कंडीशन में कोर्ट को जितना भी रीजनेबल लगेगा वो कोर्ट उनको अपने हिसाब से दिलाएगी। एक्सप्लेनेशन वही चीज़ कहता है कि अगर कोई डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट से ब्रीच हुआ है तो उस डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट से अगर कोई इंटरेस्ट बढ़ गया है तो वो भी पेनल्टी के तौर पे पूरा पेश किया जाएगा। एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। एक्सेप्शन जो भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। सेक्शन 73 के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सेक्शन 73 छोटा सा कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ब्रोकन द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज़ ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज टू हिम देयर बाई विच नेचुरली अरोज इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच और विच द पार्टीज न्यू व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली टू अरोज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ इट। सच कंपनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस ऑफ डैमेज सस्टेन्ड बाई रीजन ऑफ द ब्रीच। सिंपल चीज़ है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक किया गया है, तोड़ा गया, उसका भंग किया गया, तो जिस भी पार्टी ने सफ़र किया है, किसी तरह का नुकसान सहा है, तो उसको कंपनसेशन का अधिकार है। अब ये जो ब्रीच है, जो ब्रीच के बाद जो कंपनसेशन मिलेगा वो दो तौर पे मिलेगा, या फिर पहला जो मिलेगा वो जनरल होगा जो कि नेचुरल अराउज होगा, ये है ना, विच नेचुरली अराउज इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग फ्रॉम सच ब्रीच, और दूसरे में या फिर उन कंडीशन में मिलेगा जहाँ पर पार्टीज़ को ये पता था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ब्रीच हो सकता है, ऐसा नुकसान हो सकता है, दोनों ही पार्टीज में मिलेगा। ये पार्ट ये कहता है कि किसी भी रिमोट या इनडायरेक्ट लॉस के लिए भाई यहाँ पर कंपनसेशन नहीं दिलाया जाएगा। ये पार्ट बात करता है क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर मामला क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट का है तो भी कोर्ट के ऊपर, डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कंपनसेशन अलाउ कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है, एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है। इलस्ट्रेशन सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं, इसमें ए बी और ई आई और पी ये वाले पढ़ लीजिएगा, ये पेपर में ज़्यादा आते हैं, बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 74 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक्सेप्शन का है वो रह गया है। अब एक्सेप्शन में क्या है कि अगर यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 74 है तो 74 में अगर ब्रीच है, ठीक, ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, ये एक प्राइवेट पार्टी और प्राइवेट पार्टी का है, और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गवर्नमेंट के साथ है, ठीक। तो अगर प्राइवेट पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और ऐसी कंडीशन में ब्रीच हुआ है, ब्रीच क्लेम किया गया है, तो ये कोर्ट के डिस्क्रेशन पे होता है कि वो कितना अलाउ कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई स्टिपुलेटेड सम है या कुछ भी है तो उसके हिसाब से अलाउ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे मामला गवर्नमेंट के साथ हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ किया गया, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें पहला पार्ट उन कॉन्ट्रैक्ट्स का है जहां पर किसी तरह का बॉन्ड या पब्लिक ड्यूटी या पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, और दूसरा है जनरल कॉन्ट्रैक्ट का, समझ लीजिएगा जनरल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई पब्लिक ड्यूटी या पब्लिक इंटरेस्ट वगैरह इन्वॉल्व है या कोई बॉन्ड है, तो इसमें जो भी सम स्टिपुलेटेड है वो अगर प्रूव हो गया, यहाँ पर भी दो कंडीशन आते हैं, अगर प्रूव हो गया तो पूरा का पूरा दिलाया जाएगा, और अगर मामला प्रूव नहीं हो पाया तो कुछ नहीं दिलाया जाएगा, सिंपल है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट के केस में ये फिर से एक प्राइवेट गलत चला गया, मतलब जनरल कॉन्ट्रैक्ट भी एक प्राइवेट पार्टी की तरह डील किया जाएगा, वो कोर्ट के डिस्क्रिशन पे होगा कि वो कितना कंपनसेशन दिला रहे हैं, यही पूरा चीज़ एक्सेप्शन कहता है। तो वीडियो काफ़ी कुछ लंबा हो चुका है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यहाँ भी नहीं आती तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आकर मुझे पर्सनली डीएम करके, पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं।
बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक्स, जजमेंट्स और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जो करना हो करिए, और अपनी राय ज़रूर बताइए कि आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।